ओके सो इस वीडियो में दो टॉप क्लास प्लेयर्स, जो पहले का टॉप क्लास प्लेयर हो चुका है, जो है श्रीकांत किदाम्बी, और उनके सामने है कुंलावत विट्टेडसान। हम फुटवर्क के रिलेटेड कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको फुटवर्क मैन सिंगल्स में इंटरेस्टेड हो तो भाई ये आपको देखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, ऑफकोर्स वुमेन सिंगल्स लोग भी देख सकते हैं। तो शुरुआत ही करते हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे श्रीकांत किदाम्बी। तो अगर आपने पुराने मैचेस, आपको BWF की साइट पे या फिर कहीं पे भी मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे, आप अगर श्रीकांत किदाम्बी के पुराने मैचेस देखोगे ना, तो पहले चीज़ होती है कि जब हाइडेड प्लेयर्स होते हैं ना, उनका फुटवर्क बहुत अच्छा, कितना भी ज़्यादा अच्छा हो, बट उनकी स्पीड उस लेवल पे नहीं हो पाती। ऑफ कोर्स उनको जब बैंड होना पड़ता है, नी बैंड करनी पड़ती है, तो वो ज़्यादा पेनफुल इन द सेंस कि आपकी एनर्जी लॉस्ट होती है उससे ज़्यादा। तो वही टॉल प्लेयर्स की भी भाई डिसएडवांटेजेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो वही चीज़ है कि श्रीकांत किदाम्बी टॉल प्लेयर है, बट अगर आप उनके 2014, 15, 16 के आसपास के जाके मैचेस देखोगे, भाई साहब श्रीकांत किदाम्बी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फुटवर्क में थे। मैं उनके गेम प्ले के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उनके फुटवर्क के बारे में बात कर रहा हूँ। उनका फुटवर्क बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव था, एग्रेसिव इन द सेंस वो बहुत ही जल्दी शटल्स जहाँ पे भी पहुँच रही है ना, अपोनेंट जहाँ पे भी डाले, वो बहुत ही जल्दी पहुँच के उसको रिटर्न कर देते थे। मुझे एक मैच याद आती है जो लिंडन के सामने थी, चाइना मास्टर्स या फिर चाइना ओपन थी शायद, उसके अंदर उन्होंने हराया था जो लिंडन है ना उनको। भाई साहब क्या खतरनाक मैच थी वो चीज़, मैंने वो मैच पता नहीं मैंने कितनी बार देख रखी है। उसमें एक चीज़ जो मुझे सबसे बढ़िया लगी थी वो थी उनका फुटवर्क, एग्रेसिवनेस। गेम के बारे में तो कभी और डिस्कस करेंगे, वो गेम प्ले मैं लेके आया तो आपको ऑफकोर्स देख लेंगे आप। तो एक उनकी गेम प्ले तब का और यहाँ का क्या सबसे बड़ा डिफरेंस है, ऑफकोर्स उनका जो गेम प्ले है वो चेंज हुआ नहीं हुआ वो बाद में डिस्कस करेंगे, बट उनका फुटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो चुका है पहले के कंपैरिजन में। ऑफकोर्स स्टिल अभी भी वो भाई अच्छी खासी गेम प्ले जीत जाते हैं, बट उनका गेम प्ले मुझे थोड़ा बहुत स्लो होता हुआ दिख रहा है। उनका फुटवर्क भाई ऐसा लगता है कि वो कहीं पर रुक गए हैं। पहले ऐसा होता था कि हर एक जगह पर शटल पे पहुंच जाते हैं, उनका फुटवर्क जो बोलते हैं ना कि एक बेसिक जो प्रॉपर एक टाइप का बैडमिंटन फुटवर्क होता है वो उनका है, उसके बारे में तो भाई सारे चेक्स है एकदम परफेक्ट बोल सकते हैं, बट जो स्पीड थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। सिमिलरली जो लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया था एंथोनी गिंटिंग के बारे में, उनका फुटवर्क भी थोड़ा बहुत स्लो हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी, हमको पता है कि वो एनर्जी उस लेवल पर हम इन्वेस्ट नहीं कर पाते जब जवान होते हैं, तो ऑफकोर्स पूरी दुनिया की हमारे में एनर्जी होती है, बट थोड़ी बार 26-27 के बाद थोड़े बहुत एजेस होने लगते हैं तो भाई वो स्लो होना शुरू हो जाती है। आपके 20s के अंदर जैसी होती है आपकी, वो गेम प्ले नहीं दिखा पाते, तो वही चीज़ हो रही है अभी। श्रीकांत उस लेवल पे ऑपरेट कर ही नहीं पा रहे हैं, मैंने देखी 2-3 मैचेस लास्ट 1-2 ईयर से, वो उस लेवल पे जीत ही नहीं पा रहे हैं। उनके गेम प्ले के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। ये चीज़ फुटवर्क के बारे में एक अगर आपको समझ आ गया हो तो इसके अंदर कोई भाई कुछ नहीं हो सकता। ऑफकोर्स स्कोर देख के तो आपको गेम प्ले के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, बट फुटवर्क एक और चीज़ है जो सब बहुत बड़ा रोल इसमें भाई डिफाइन करते हैं। सेकेंड चीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कुंलावत विट्टेडसान का फुटवर्क। कुंलावत विट्टेडसान का मैं लास्ट 1 या 1.5 साल से उनका गेम प्ले देख रहा हूँ। फुटवर्क अगर आप उनका देखो तो जो बेसिक होता है ना, जैसे आंसियंग को कभी आपने खेलते हुए उनका फुटवर्क देखा हो, बहुत ही बढ़िया एकदम स्मूथ फुटवर्क लगता है। जैसे लिंडन थे, ली चोंग वे थे, ये सारे प्लेयर्स हैं ना, इनका फुटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता था। मुझे विट्टेडसान का फुटवर्क वैसा ही स्मूथ लगता है, ऐसा लगता है कि एफर्टलेसली वो पूरे कोर्ट में मूव कर रहे हैं। देखो थोड़ी बहुत हाइट में वो श्रीकांत से शायद नीचे है, शायद पता नहीं, वो परफेक्ट मुझे नहीं पता तो नहीं बता सकता, बट थोड़ी बहुत नीचे है वो, स्टिल वो कितना बढ़िया तरीके से मूव कर रहे हैं। यही चीज़ मैं बता रहा था कि जब आप जवान होते हो, थोड़ी बहुत आप यंग होते हो, तब आपके पैर और सारी चीज़ें बहुत ही फास्ट मूव करती है, आप कितना भी करो आप थकते नहीं हो उतना ज़्यादा। देखो कुंलावत विट्टेडसान, अगर आप मैच ये चीज़ थोड़ा बहुत पीछे करके अगर आपको दिखाऊं ये रैली, तो आपको पता चलेगा कितना इजीली उन्होंने मूव किया था। देखो वो फ्रंट यहाँ से, देखो ये वाला, ये यहाँ से जाएंगे वो फ्रंट में, देखो एकदम, देखो चल के जाएंगे, पहुँच गए, देखो कितना ईजी तरीके से वो मूव किया। देखो अभी भी वो, कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पूरे ऐसे मुड़ गए हैं, पूरे ऐसे कुछ भी, मतलब कोई ऐसा नहीं लगेगा कि भाई यहीं पे लो यू किन होते, वो उनकी अपर बॉडी होती, वो यहाँ पे पूरे बैंड हो चुके होते, उनके पैर तो पहुँच चुके हैं। जब आपके लेग्स पहुँच चुके हैं कोई जगह पे, तो ऑफकोर्स आपके लिए हैंड मूव करना बहुत ही ईजी होता है, तब तो आप ईजी तरीके से उसे लिफ्ट कर ही सकते हो उस शटल को, बट लो यू कैन क्या करेंगे, पूरे बैंड हो जाते हैं। उससे होता क्या है, वो लिफ्ट करने के बाद भी उनका ध्यान उतना ज़्यादा वहाँ पे होता नहीं है। वो चीज़ें मैं थोड़ी बहुत पॉइंट आउट मुझे हो रही है, वो पता नहीं वो चेंज करेंगे नहीं करेंगे, वो हो सकता है कि उनके लिए वो चीज़ें वर्क करती हो। कुछ चीज़ें होती है कि यार आप कभी कभी कोर्ट के अंदर ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें जो आप कर रहे हो ना वो आपके लिए ही वर्क कर रही है, आप स्मैश को थोड़ा बहुत रैकेट मूव करके मार रहे हो, तो वो चीज़ें होती है।
हाँ हो सकता है लो यूकेन के लिए वो, बट विटेटसान के बारे में जो मैंने बताया वही चीज़ है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वो कोर्ट में मूव करते हैं, मुझे वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फुटवर्क उनका बेस्ट, उसमें कोई चीज़ें नहीं है, उनकी गेम प्ले के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। सेकेंड चीज़ जो उनके फुटवर्क को बहुत ही बढ़िया बनाती है वो है कि वो कितना जल्दी सेंटर में पहुँच जाते हैं। देखो सेंटर में पहुँचने का मीनिंग क्या है, आप जैसे कि आप बैडमिंटन खेलते हो तो आपको समझ होगी कि 6 कॉर्नर है, आपको सिंगल्स में वो 6 के 6 कॉर्नर्स पे पहुँचना जरूरी है। इजी तरीके से नहीं पहुंचोगे तो अगर आप पीछे के कोर्ट में खड़े हो तो सामने आगे शटल रख देगा आपका अपोनेंट और वो पॉइंट ले जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, शॉट मारने के बाद सेंटर में पहुंचना होता है। सेंटर में पहुंचने का मतलब क्या है कि आप 6 के 6 कॉर्नर को एक्सेस कर सकते हो, इजी तरीके से पहुंच सकते हो। जो प्लेयर्स अगर आपको देखना हो कि भाई अच्छा फुटवर्क उनका है या नहीं, आपको एनालाइज करना हो तो देखना कितना जल्दी वो सेंटर में पहुंच पा भी रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। अगर वो मर मरा के सेंटर में पहुंच रहा है ना तो इसका क्लियर मतलब है उनके फुटवर्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सेकेंड चीज, जब आप आंसियंग जैसे प्लेयर्स को उनका देखोगे ना कि वो सेंटर में कितना इजी मूव करते हैं, आपको लगेगा वो चल के पहुंच रहे हैं। सिमिलरली अगर आप फुटवर्क देखो ये रैली देखो, मारा कितने इजी तरीके से विटेटसान सेंटर में जाके खड़े हो जा रहे हैं, सेंटर में जाके खड़े हो रहे हैं। इसी वजह से उनको नेक्स्ट जो शॉट है ना वो इजी तरीके से एक्सेसिबल है कि उन्होंने पीछे जाके एक शॉट मारा, ठीक है, कि टॉस मारा, नेक्स्ट वो इतने इजी तरीके से सेंटर में पहुंच जाते हैं कि सामने वाला स्मैश भी मार दे तो उसको डिफेंड करने के लिए वो रेडी होते हैं। इसी वजह से लास्ट एक दो मंथ से मैंने उनके जो मैचेस देखे थे उसके अंदर थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट मुझे उस चीज़ में दिखी है कि वो अब स्मैश मारने के बाद जो है ना एग्रेसिव थोड़ी बहुत होते हैं। वो चीज़ मैंने विटेटसान के लास्ट एक दो साल के मैचेस में नहीं देखी थी। एग्रेसिव से मेरा मतलब ये कि एग्रेसिव फुटवर्क, कि जैसे उन्होंने स्मैश मारी तो जंप उन्होंने ले लिया, बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स क्या करते हैं जंप मारने के बाद वो रेडी नहीं हो पाते नेक्स्ट शॉट के लिए, वो या तो डिफेंड करते हैं या तो रैली को थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते हैं। यहीं पे अगर देखो ये स्मैश मारी उन्होंने, देखिए ये जंप, यहाँ पे एक और बार हम पीछे लाके देखते हैं। देखो ये रैली हम फिर से देखेंगे ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत क्लियर बता पाऊँ। देखो यहाँ पे फिर से एक और बार देखो ये जंप, देखो यही चीज़ बता रहा हूँ मैं, देखो फिर से एक और बार हो जाए, देखो ये चीज़ उन्होंने, ये जंप आपको अगर दिख रही हो तो यहाँ पे वो कितना रेडी थे। देखो यहाँ जंप कहाँ से होती है, यहाँ से होती है ऑफ कोर्स, बट वो यहाँ पर रेडी थे। उसका रीज़न क्या है, फुटवर्क प्लस उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनको पता था कि श्रीकांत यहाँ पे रिटर्न नहीं कर पाएंगे। यहाँ से श्रीकांत के पास देखो चांस क्या है, ये पूरा कोर्ट खाली है, ये पूरा कोर्ट विटेटसान यहाँ पे मार, आप कर्सर पे फोकस करो, ये पूरे कोर्ट पे वो मार सकते हैं। उन्होंने मारी कहाँ पे, जहाँ पे श्रीकांत को थोड़ा बहुत, श्रीकांत भी सेंटर में जाने की कोशिश कर रहे थे, यहीं पे अगर जो यंग श्रीकांत के दाम भी होता तो शटल का रिटर्न नेट पे होता, समझ रहे हो। तो वही चीज़ है कि थोड़ा बहुत स्लॉपी आपका गेम प्ले और वो चीज़ें हो जाती है, आपको थोड़ा बहुत वो चेंजेस करने ही पड़ते हैं। मैं अगर इस एज पे, मतलब थोड़ी बहुत जो भी मेरी भी एज हो चुकी है, मैं अगर खेलने जाऊँ तो मेरा भी फुटवर्क स्लो होने ही वाला है, कोई चांस नहीं है कि मैं यंगर जो मेरा वर्जन था वैसा खेल पाऊँ। विटेटसान नेक्स्ट बहुत बड़ी भाई बोल सकते हैं कि एक चीज़ है बैडमिंटन के अंदर, वो अभी बहुत अच्छे खासे नेक्स्ट ईयर अच्छे खासे लोगों को हरा सकते हैं। तो यही चीज़ें थी और हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।